और वहीं अयोध्या के राम मंदिर प्रतीकात्मक मॉडल का अलवर में नगर भ्रमण कराया गया। जिला व्यापार महासंघ एवं राम वाटिका पार्क समिति आर्यन नगर ने रविवार को यह आयोजन किया। नगर भ्रमण राम वाटिका पार्क से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य बाजारों से होते हुआ वापस इसके एक पहुंचा। जिला व्यापार महासंघ के महामंत्री मुकेश विजय के अनुसार अयोध्या धाम के राम मंदिर जैसी प्रतीकात्मक मॉडल का निर्माण प्रसिद्ध कलाकार अशोक शर्मा एवं टीकम सैनी सहित उनकी टीम ने किया। इसके लिए रामजीलाल शर्मा की प्रेरणा से लगभग एक महीने तक मेहनत की गई। साथ ही संस्कार भारती के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता की। इस दौरान महिलाएं कलश लेकर और पुरुष रामध्वज लेकर चल रहे थे। वहीं आयोजन को सफल बनाने में राम वाटिका पार्क समिति के अध्यक्ष रामजीलाल शर्मा, जिला व्यापार महासंघ के जिलाध्यक्ष रमेश जुनेजा, मनोज विजय, अखिलेश गर्ग, सौरभ कालरा, गोपाल और सीताराम आदि का सहयोग रहा। अलवर जिला व्यापार महासंघ और राम वाटिका पार्क समिति की संयुक्त तत्वाधान में आज एक भगवान श्री राम मंदिर जो अयोध्या में बनाया हुआ वैसा मॉडल अशोक शर्मा जी और टीकम सैनी जी की कारीगरी में बनाया गया, उसका नगर भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया है, जो स्टील एक से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य बाजारों हॉट सर्कल होते हुए कटने होते हुए मुख्य सर्किलों से होते हुए वापिस स्टील एक आएगी। आप देख रहे हैं महिलाओं और पुरुषों में कितना जोश है। पूरे भारतवर्ष में 300 वर्ष बाद एक खुशी का अवसर आया है। कल 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और पूरे देश में उल्लास का माहौल बना हुआ है। आज अलवर में भी हमारे जिला व्यापार संघ अलवर के द्वारा और राम वाटिका पार्क समिति स्कीम नंबर एक के द्वारा एक संयुक्त तत्वाधान में एक प्रतीकात्मक राम मंदिर का माहौल तैयार करके शहर में हमने भ्रमण के लिए निकाला है कि लोग बाग आए और भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करें। तो एक भी अभी नहीं जा पा रहे 22 तारीख को, वो आज भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन करें और भगवान श्री राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा राम की हो रही है उसमें सहभागी बने।